बहुजन समाज पार्टी से रीवा के पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल कुछ दिनों पूर्व बसपा से दिया गया त्याग पत्र पर उन्होंने कहा कि मैं 35 वर्षों से लगातार बहुजन समाज पार्टी की सेवा में था और जब कोई अपना घर छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हुई है। इस दौरान उन्होंने बसपा पर भी कई आरोप लगाए। लगातार प्रदेश प्रभारियों से चर्चा करता रहा कि प्रदेश में और विंध्य में पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं वह आगे की नहीं बल्कि पीछे की ओर जाएगी, लेकिन प्रदेश प्रभारियों ने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया और कुल मिलाकर बहन ने जिनको दायित्व सौंपा था उन्होंने सीधे तौर से टिकट बांटकर पार्टी के ग्राफ को नीचे ला दिया है और चुनाव के बाद भी गतिविधियां सुधर नहीं रही थी, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बसपा के पूर्व सांसद ने भाजपा के वर्तमान सांसद के ऊपर लगाए गंभीर आरोप पर बताया कि रीवा के वर्तमान सांसद आज तक रीवा के लिए कोई भी सौगात नहीं दी है, जबकि वह सत्ता में रहे हैं और हमने बसपा की राजनीति की है। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, लेकिन वहीं चल रही राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत मैंने 105 करोड़ की स्वीकृति कराई और केंद्र में परिवहन मंत्री छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ थे और मैंने उनको रीवा से हनुमना बाईपास रोड के लिए पत्र लिखा था और उसकी भी स्वीकृति कराई, जिसके कागजात हमारे पास सुरक्षित हैं और आज भाजपा के वर्तमान सांसद अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, जबकि वह मेरे ही द्वारा स्वीकृत कराया गया था तथा भाजपा के वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा सत्ता में रहते हुए भी रीवा के लिए कोई भी खास सौगात नहीं दी गई, जबकि हमने बिना सत्ता के रीवा के लिए कई उपलब्धियां हासिल की है। पार्टी 35 वर्षों से मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी की सेवा में था और जब कोई अपना घर छोड़ता है तो जरूर तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं हमें ज्यादा तकलीफ महसूस हुई, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। लगातार मेरा प्रभारियों से चर्चा होती रही कि जो विंध्य में और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियां हैं इससे हमारी पार्टी आगे की ओर नहीं बढ़ेगी बल्कि पीछे की ओर जाएगी, लेकिन प्रभारियों द्वारा कभी हमारी तरफ नहीं देखा गया, नजरअंदाज किया गया और हमारे जो सीनियर थे, कई सीनियर लीडर्स थे खासकर ओबीसी के, उनके साथ चुनाव के बाद जो निर्णय लिया गया प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी से, तो उनको सीधे पार्टी का रास्ता दिखाया गया, सीनियर लोगों को किसी को टिकट भी काटी गई, माने कुल मिला के जो बहन जी ने इनको यहाँ का दायित्व सौंपा मध्य प्रदेश का, तो उन लोगों ने सीधी तरह से टिकट में भी बंदर बांट करके और बहुजन समाज पार्टी को के ग्राफ को नीचे ले आए और अब चुनाव के बाद भी उनकी गतिविधियां जो है तो सुधर नहीं रही थी, इसलिए मैंने कल जो इस्तीफा दिया तो उसमें सारी बातें मैंने लिख ही दिया है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या आखिर क्या वजह थी? वो वजह लगातार उपेक्षा हो रही थी हम लोगों की, इस वजह से हमने इस्तीफा दिया।